दुकान 8 बजे बंद हो जाती है तो फिर आते आते आपको इतनी देर क्यों हो जाती है? ए, वो दुकान को स्कूल थोड़ी है कि टाइम हो गया घंटी बजे तो दफ्तर उठा के करके निकल पड़े घर आने के लिए। देख जेठिया, आज रात से ही हम लोग नियम बनाते हैं कि रोज रात को हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तो तू दुकान से टाइम पे आ जा। ठीक है बापूजी, आज रात से मैं खाने के टाइम के पहले ही दुकान से घर आ जाऊंगा। कमाल है, आज कुछ भी स्विच सोच क्यों नहीं रहा है? क्या लिखू? हाँ, ये अच्छा है। गुड मॉर्निंग बेटे। बुड़ी, क्या कर रहे हो भाई? ओ हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेन सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम पिडू को प्यार से गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। बुड़ी, गुड मॉर्निंग मुझसे बोला जाता है, हाथ से नहीं। अरे पिडू, तुम्हें पता है मैं यहाँ पे ना सुविचा लिखने के लिए खड़ा था, मुश्किल से सुविचा सूझा था मुझे, तुमने धब्बा मार दिया तो भी दिमाग से निकल गया सुविचा। तो पिडू इसमें इतनी टेंशन क्यों ले रहा है भाई? वो दिमाग से निकल के इधर ही गिरा होगा ना, ढूंढ लेते हैं अभी। ओ कितने हैं पिड़ू का सुविचार। अरे भाई छोड़ी, क्या ढूंढ रहे? ओ चाचा जी, पैर से तो संभल के प्लीज। क्यों, कुछ गिर गया है? ओ चाचा जी, पिड़ू के दिमाग से सुविचार निकल के इधर गिर गया। कुछ नहीं चाचा जी, मजाक कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सुविचार लिखने के लिए खड़ा था, मुश्किल से सुविचार सूझा था, मैं लिखू इससे पहले इससे पीछे से आके जोर से पीठ पे धप्पा मारा तो मैं सुविचार ही भूल गया। ओ पिड़ू, ओ मैं तुझे सुविचार लिखवाता हूँ, लिख। अच्छा, हॉर्न ओके प्लीज, कीप सेफ डिस्टेंस, यही ना? ओ मैं डरा गाड़ियों को ठीक करने वाला मैकेनिक, तो मेरे को तो यही सूझेगा, क्यों बराबर है ना चाचा जी? हाँ बराबर बराबर। ओ पिड़ू, तू तो शिक्षक है शिक्षक, ब्लैक बोर्ड को सामने देख के तेरे को तो यूं सुविचार सूझा। हाँ यूं ही सुविचार सूझा था मुझे, जो आपके धब्बे की वजह से मैं भूल गया। ओ कोई गल नहीं पिड़ू, और तू भी इतने है और ब्लैक बोर्ड भी इतने, फर्स्ट क्लास सुविचार निकाल कर लिख डाल। ऐसे नहीं लिख सकते भाई सुविचार। हाँ सोड़ी, पिड़े सही कह रहा है, सुविचार ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई संदेश हो, जो पढ़कर इंसान को उस विचार को अपने जीवन में अपनाने का विचार आए। वाह 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 चाचा जी, क्या सुविचार की परिभाषा बताई आपने, वाह। अपने चाचा जी की हर भाषा फिट होती है। हाँ बिल्कुल। वैसे चाचा जी, अभी मुझे कुछ सुविचार सूझ नहीं रहा है, जरा आप बताइए ना मुझे। हाँ चाचा जी, आज पिड़ू का दिमाग चूर ही है। अरे खांदा सुझे मजा आता। अच्छा लिख, जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति का निवास होता है। ओहो, क्या बात है चाचा जी, अप्रतिम सुविचार। ओ चाचा जी, आपका सुविचार तो एकदम फैंटास्टिक है, वंडरफुल है, ब्यूटीफुल सुविचार है। ओहो, क्या बात है भाई, चाचा जी सोड़ी भिड़े सब मिलकर सुविचार सोच रहे हैं। ओ पप्पू, ये पिड़ू को आज सुविचार सूझ ही नहीं रहा था, तो चाचा जी ने एक फर्स्ट क्लास सुविचार बताया। अच्छा तो क्या है, क्या अभी लिखता हूँ, लिखो लिखो। जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति का निवास होता है। क्या हुआ है डिब्बे? कैंसल करो, अभी ऐसे भी चार कैंसल करो। क्यों क्यों? पप्पू, चाचा जी ने इतना बढ़िया सुविचार बताया, तू उसे कैंसिल करने को क्यों बोल रहा है? आप लोग ऐसा सुविचार कैसे लिख सकते हैं? सुविचार ऐसा होना चाहिए जो सबके काम है, ये सुविचार मेरे किस काम का? साथ में बैठ के भोजन करो। है कोई मेरे साथ बैठकर भोजन करने वाला? हुई है मेरी शादी, है मेरा परिवार, अकेला हूँ मैं, बिल्कुल अकेला हूँ इस दुनिया में। ओए पप्पू, तू भी कमाल करता है यार, इतना सेंटिमेंटल और इमोशनल क्यों हो रहा है? हम सभी एक परिवार ही तो हैं। हाँ पोपटलाल, तुम हम सबके परिवार के हिस्से हो। अरे पोपट, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक बड़े परिवार की माला है, हम सब उसके अमूल्य मोती हैं। और तुम्हें तो पूरा हक है, तुम किसी के भी घर में आके भोजन कर सकते हो। इतनी सी बात को लेकर तू इतना भावुक हो गया? भावुक तो मैं ये सोचकर हो गया था चाचा जी कि कब मेरा परिवार बनेगा और कब मैं अपनी पत्नी के हाथों का बना हुआ भोजन पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को खिलाऊं। पोपट बेटा, भगवान ने चाहा तो तेरी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बस चाचा जी ने कितना बढ़िया तेरे को आशीर्वाद दे दिया, अभी जैसे मुस्कुरा रहे और मुस्कुरा चमके जब भी। तू ले राजा बनोगे जल्दी।
रही बात एक साथ भोजन करने की पोपटला, तो तुम तो अच्छा खाना बनाते ही हो, तो हम सब तुम्हारे घर पे आ जाएंगे खाना खाने के लिए। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि हम सब तुम्हारे घर पे खाना खाने आ रहे हैं आज रात। अरे भाई रुक 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 भाई, इतनी जल्दी क्या है, मेरी शादी तक रुक जा, उसके बाद मैं सबको बुलाता हूँ ना अपने घर पे खाना खाने के लिए, जबरदस्त खाना रखूंगा। यारो ये पप्पू तो जब भोजन करवाएगा तब करवाएगा, अभी तो आज का भोजन कमाने के लिए मुझे लेट हो रहा है, तो यारो मैं चलता हूँ गैराज पे। ओके मैं भी निकलता हूँ। चाचा जी आप जिधर भी जा रहे हो चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं सॉरी, मुझे यही बाजू के बिल्डिंग में जाना है, वहाँ सत्यनारायण की पूजा है। चलो बाहर तक तो एक साथ चलते हैं। चलो यार चलो चलो भाई मैं भी चलता हूँ भाई। भिड़े गुड डे गुड डे गुड डे गुड डे। जल्दी जल्दी अरे बाप रे, गरीबी में आटा गिना, ये तो वैसे ऑफिस को लेट हो रहा है, ये इतना बड़ा विघ्न पोपटलाल ने अगर रोक लिया तो और लेट कर देगा। ऐसे निकलता हूँ कि इसको पता ही नहीं चले। अरे मेहता साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे मेहता साहब क्या बात है भाई, सुबह सुबह ना गुड मॉर्निंग ऐसे ही मिले बिना निकल रहे हैं। वो तुम थोड़ा बिजी थे ना तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके। नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कोई काम की बात नहीं थी, टाइम पास चल रहा था। सच बता रहा हूँ मेहता साहब, आजकल लोगों के पास इतना फालतू टाइम है, अच्छे भले जा रहे आदमी को रोक कर फालतू बातें करना शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो पोपटलाल, इतना फालतू टाइम है ना लोगों के पास, अच्छे भले आदमी को जाते हुए रोक के फालतू बातें करते हैं, काश लोगों को समझ में आए। चलो चलिए एक मिनट मेहता साहब, आपसे ना एक जरूरी मैटर पर सलाह मशवरा। देखो भाई पोपटलाल, मुझे तुम्हारी शादी के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करनी, मुझे लेट हो रहा है। नहीं नहीं शादी की बात नहीं है, मैं एक आर्टिकल के सिलसिले में एक गंभीर विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ, उस बारे में आपसे सलाह मशवरा करना। पूछेंगे नहीं कौन सा विषय है, मैं बताता हूँ भाई। वरिष्ठ उम्र में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लाभ। वाह है ना कमाल का विषय, बहुत बढ़िया। तुम्हें शादी पे चर्चा नहीं करनी। थैंक यू। तुम्हें इस विषय पे वरिष्ठ उम्र में गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लाभ, बहुत सारे लाभ है, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है मैं निकलता हूँ। ओके बाय। सुनिए मेहता साहब। हेलो मेहता साहब, अरे मेहता साहब जेठालाल अभी लेट हो रहा है, प्लीज अभी निकलता हूँ मैं। अरे एक मिनट रुकिए तो, अरे एक मिनट ये लेते जाइए। क्या? अरे चलो भाई चलो, क्या बारात की तरह चल रहे हो जेठालाल, जल्दी हाँ बोलो क्या लेके जाना है मुझे। वैसे ही लेट हो रहा है जेठालाल, तुम क्या मजाक कर रहे हो भाई। अरे आप ऑफिस ही जा रहे हैं ना, और कहाँ जाऊंगा जेठालाल। हाँ तो चलो मैं आपको रिक्शा में छोड़ देता हूँ। चलो चलो। अरे भाई रुको भाई, क्या हमेशा घाई 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 करते रहते, जीवन में थोड़ी शांति रखिए। क्या हमारा जो जीवन है वो चार चुटकी में बटा हुआ है। ओ भाई चुटकी महाराज, अगर मैं आज लेट गया ना तो मेरा बॉस मुझे चार हिस्सों में बांट देगा। हम बहुत डरते हैं अपने बॉस से, पर भाई टेंशन मत लो, अभी फटाफट रिक्शा में पहुंचा देता हूँ। तो चलो तो सर भाई। ओके। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। अरे अब और लेट होगा। गुड मॉर्निंग बबीता जी। सुबह सुबह कहाँ से आ रही है सवारी? बस मैं मार्केट गई थी सांभर मसाला लेने के लिए। ओहो मतलब आज आपके घर में इडली वड़ा सांभर का प्रोग्राम है आज? जीजा जी अय्यर को रोज सांभर चाहिए होता है। मतलब आप रोज सांभर बनाती है? एवरी डे यस। वैसे सच कहूँ बबीता जी, मुझे तो आपके हाथ के बने जो बंगाली मिठाई होती है ना वो बहुत पसंद है। वो रसगुल्ला ने मिस्त्री दही ने रसगुल्ला एंड मिस्टी दही। रसगुल्ला रसगुल्ला बताए, वो जानबूझ के गलत बोला। तो क्या बबीता जी जब वो सिखाते ना कैसे बोलने का रसगुल्ला और मिस्टी दही, वो इतना मिठाई से भी मीठा लगता है। आप भी ना जीता जी। नहीं नहीं जो सच है वो है। वैसे मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ, आपको जब भी बंगाली स्वीट खाना हो प्लीज आप कभी भी आ जाइए, और ऑलवेज वेलकम। इनफैक्ट कभी भी क्यों, अब अभी चलिए। अभी अभी हाँ? अरे नहीं अभी नहीं, अभी कैसे जा सकते जेठालाल, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ 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 एकदम सॉरी। थैंक यू बबीता जी, आपने न्योता दिया। लेकिन क्या है अभी मेहता साहब को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, और मैंने इनको वादा किया कि मैं आपको रिक्शा में ऑफिस तक छोड़ूंगा। ओके चल मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। अरे भाई मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं भाई। ओह सॉरी जस्ट अ मोमेंट। आ रहा हूं। हां मां बोलो। हां
चलो चलो अभी, अब क्यों रुके हुए, अब तो चलो। एक मिनट, फोन में बात करते बिना भाई बोले कैसे जा सकते हैं? तुमने किसी डिसाइड को लेकर अभी आज पे किसी दिन है ना, मेरी नौकरी सिर्फ तुम्हारी वजह से जाएगी। मुझे जाना होगा, मैं निकलती हूँ। हो गया। मैं तुम्हें कितनी बार पहले भी समझा चुका हूँ जेठालाल, कि मैं तुम्हारी तरह सेठ नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ मैं। मैं जॉब करता हूँ, मुझे टाइम पे पहुँचना पड़ता है। अरे भाई सब समझता हूँ, लेकिन बबीता जी एक लेडीज है, कुछ स्त्री दक्षिण जैसा होता है कि नहीं होता है? तो फोन में बात करे बीच में उनके आया क्या, मैं बात कट करो, हम लोग जा रहे हैं भाई, ऐसा बोल के थोड़ी जा सकते। नहीं नहीं नहीं, निकल सकते पर अभी निकले है? तो मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ, आप ही बात कर रहे। अरे रिक्शा, ओ रिक्शा, अरे मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे? रुक भाई रुक। अरे वाह अब्दुल, तू ही अच्छा। सामान निकाल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, सामान ले, सामान ले, ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी, तेरे पैसे मैं दे दूंगा, चल। अरे क्या लेके आया? अरे सब छोड़ो ना, क्या लेके आया, अभी लेट हो रहा है अब्दुल, चल चल मेरे को। हाँ भाई साहब, कितना हुआ? अरे रहने दे अब्दुल, मैं दे दूंगा पैसे रास्ते में। लेकिन मेहता साहब, आप मेरे पैसे क्यों देंगे? क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, तू पैसे देगा निकालेगा, टाइम लगेगा, मैं रास्ते में हिसाब कर दूंगा ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे भाई अब्दुल, मुझे पैसा देने दे, मैं दे दूंगा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे रिक्शा चाहिए भाई। ठीक है, आपका जो पैसा है मैं सोडे में एडजस्ट कर लूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, चल। अच्छा अब्दुल, मेरा कोई सोडा का हिसाब बाकी है? आपका आपका इनको नहीं आना, चल चल। अरे क्या नहीं आना भाई, आना है भाई। अरे चलो सोच के रखे, सोडा का हिसाब करने वाले और इधर ये सब, चलो ना शांति रखो, देखो आप जो उतावड़ करते हैं ना उसमें बंद हो जाते। अरे क्या बंद हो जाए, चलो चलो। ये गोकुल धाम सोसाइटी भी कमाल की जगह है। सबे हुई नहीं की दौड़ भाग चहल पहल शुरू। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अब्दुल भाई है? एक नमक की पैकेट दो। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। अरे अब्दुल भाई। हाँ। कैसे चल रहा है धंधा? हमारा धंधा तो रुक रुक के चल रहा है। मंजे का ही अब्दुल भाई? अरे लोग साबुन टूथपेस्ट पाउडर खरीद के जाते हैं, 15 दिन के बाद जब वो खत्म होता है तब आते हैं। तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा है। हाँ, सवेरे सब्जी बेचने निकली, शाम को खत्म। अरे इंसान रोज तो भूखा नहीं रह सकता है ना, दूसरे दिन उसको सब्जी चाहिए। अरे अब्दुल भाई, मैं सोच रही थी आपका धंधा अच्छा है, एक जगह दुकान खोल के बैठने का, ना धूप का झंझट ना बारिश की खिचपिच, और तो और कस्टमर खुद चल के आपके दुकान पे आते हैं। और एक हमारा धंधा, धूप हो या बारिश, गली गली सोसाइटी सोसाइटी घूमना ही पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबको दूसरे का धंधा अच्छा लगता है। अच्छा अब्दुल भाई, एक बिस्किट का पैकेट देना, वो क्या है ना, आज मैं घर से खाने का डब्बा लाना भूल गई। सुनीता, मैं तेरे को बिस्किट का पैकेट नहीं दे सकता। देवा ऐसा क्यों अब्दुल भाई, मैं पैसा देती है ना। सुनीता, तू मेरा टिफिन लो। मुझे पता है जब तक तुम्हारे सब्जी का ठेला खाली नहीं होगा ना, तुम घर पे नहीं जाओगी। तुम लोगों को ताजी ताजी सब्जी खिला रही हो और खुद बिस्किट से पेट भरोगी। लेकिन अब्दुल भाई, मना मत करना, इसमें सादी सब्जी और रोटी है, खा लेना। लेकिन अब्दुल भाई, टिफिन मुझे दे दिया तो आप क्या खाएंगे? अरे मेरा क्या है, मेरे पास तो पूरा गोकुलधाम सोसाइटी है, एक नहीं कई घर है, कभी भी कहीं भी मन पसंद खाना खा सकता हूँ मैं। अब्दुल भाई, ईश्वर आपको आपके धंधे में 10 गुना बरकत दे। अल्लाह तुम्हारे भी धंधे में बरकत दे। ठीक है अब्दुल भाई। और तो लगा हम लोग तो सब्जी लेने आए हैं। हाँ। बात भी भाभी, लेडीज अगर सब्जी लेने जा रही हो ना तो भी उसे शॉपिंग ही कहते हैं। गुड थॉट है ना। आइए भाभी, सब भाजी ताजी है। हाँ सुनीता, ये बात तो है, भाजी एकदम ताजी है। हाँ। हाँ। अच्छा मुझे 1 किलो पहले टमाटर देना। 1 किलो ले लो। दया भाभी, और 10 रुपए का धनिया दो। क्या बात है दया भाभी, इतनी सारी सब्जी, लगता है आज कुछ स्पेशल बनाने का प्रोग्राम है। बोलो बोलो। आज कड़ी खिचड़ी, बैंगन का भरता, बाजरा का रोटलो, काकड़ी का कचुंबर और दूधी का हलवा बनाने का प्रोग्राम है। क्या बात है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। वाह, मेनू तो एकदम सरस्त है। दया भाभी, चटाकेदार मेन्यू है। पता है आज बापू जी ने 1 लाख रुपए की बात की। कौन सी? अच्छा? क्या यही कि दिन में एक
बार परिवार के सभी लोगों को साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। अरे वाह, क्या विचार है, है ना? वो देखो, आज नोटिस बोर्ड में भी भीरे भाई ने सेम थॉट लिखा है। What a coincidence! नहीं नहीं कोमल भाभी, कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो चाचा जी का ही सुविचार है। अरे? हाँ, ये सुबह मुझे बता रहे थे कि उनको एक भी सुविचार नहीं सूझ रहा था, तो चाचा जी ने कहा ये सुविचार लिखने के लिए। मुझे लगता है आज के समय में पूरे परिवार को साथ में बैठ के खाना खाने का विचार सबसे आदर्श सुविचार है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अंजलि भाभी, बापूजी के इस सुविचार का सबसे पहला पालन हमारे घर से ही होने वाला है। वंडरफुल। वो क्या है, टप्पू के पापा को दुकान से आते तो बहुत देर हो जाती है और टप्पू उनकी राह देखते देखते खाना खाकर सो जाता है। टप्पू खाना खाता है तो बापूजी भी उसे कपनी देने के लिए उसके साथ ही खाना खाते है। तो मेरा और टप्पू के पापा का खाना देर रात को होता है, तो सब लोगों को साथ में बैठकर खाना खाने का समय नहीं मिलता है। तो क्या बापूजी ने टप्पू के पापा को साथ में बैठकर खाना खाने का महत्व समझाया और टप्पू के पापा मान गए? बहुत अच्छी बात है भाभी। वैसे भी जो परिवार एक साथ भजन और भोजन करता है वो हमेशा सुखी रहता है। क्या बात है कोमल भाभी, ये विचार तो अपने आप में सुविचार हो गया। चल चल सुनीता बक्का, जल्दी से बक्का। ये लो जय भाभी, बैंक के साथ कुछ अच्छे वाले। हाँ ये अच्छा। ए जी रे, आज बनेगा बाजरे का रोटला, साथ में होगा बैंगन का भरता, गर्म गर्म खिचड़ी और कढ़ी का तड़का, ऊपर से होगा दूधी का हलवा जी, दूधी का हलवा। अरे नहीं नहीं बहू, तू बैठ बैठ, मैं तो ये पेपर लेने आया था, अपने कमरे में जा रहा हूँ। आपको और कुछ चाहिए? नहीं नहीं बहू, और कुछ नहीं। और बहू, दोपहर हो गई है, तू सुबह से काम कर रही है, थोड़ा आराम कर। नहीं बापूजी, ओ मैं काम करती हूँ ना तो मुझे जोश आ जाता है, और रात के खाने की तैयारी भी बाकी है तो वो कर। क्या बना रही? बाजरे का रोटला, बैंगन का भरता, कढ़ी, खिचड़ी और दूधी का हलवा। अरे वाह, मुझे पता है बहू, देखिया की माँ भी जब बहुत खुश होती थी तो यही सब चीजें बनाती थी, रात को एक साथ खाना खाने का मजा आ जाएगा। बापूजी, आपने टप्पू के पापा को रात को समय पर घर आने के लिए कहा ना, ये बहुत अच्छा किया। हाँ, हाँ बापूजी, हमारी सोसाइटी की सभी लेडीज है ना, वो आज के आपके सुविचार की बहुत तारीफ कर रही थी। अरे बहू, ये प्रथा तो हर घर में होनी चाहिए। मैं अपने कमरे में। जी बापूजी कितने खुश हैं। माताजी, हमारे घर में हमेशा ऐसी ही खुशी बनी रहे। टप्पू के पापा को फोन करके आज का प्रोग्राम याद दिला देती हूँ। 3 लाख का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? तो काका का हिसाब तो एकदम परफेक्ट होता है। पूछना पड़ेगा। बोलिए बोलिए विपुल भाई, हेमंत मालिक बिल भेजते ही। बिल भेज दिया आपने कभी? ले तो नट्टू काका ने आपको चेक नहीं भेजा? ओ नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ, कितनी रकम है? अच्छा 9 लाख। हाँ तो मैं बोलता हूँ नट्टू काका को। और बोलिए। अरे बेफिक्र रहिए, कल आपको चेक मिल जाएगा। हाँ आज आज ओके ओके। क्या हो गया नट्टू काका को, 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है, 9 लाख का चेक नहीं भेजा? हाँ बोल दे। हाँ तो टप्पू के पापा, आज आप समय से घर पर आ जाएंगे ना? अरे हाँ भाई, बोला ना आ जाऊंगा। आज मैं मस्त तो खाना बनाने वाली हूँ। हाँ वो तो घर पे बोला ना तूने दया। हाँ, तो आप समय से घर पर आ जाना, लेट मत करना। अरे हाँ भाई आ जाऊंगा, अभी तो फोन रख, मैं यहाँ बहुत काम में हूँ दया। ओके चलो चलो, मैं फटाफट सारा काम खत्म कर देती हूँ। टप्पू के पापा भी दुकान में सारा काम खत्म कर रहे होंगे घर पर जल्दी आने के लिए। शहरों की जिंदगी की अगर बात की जाए दोस्तों, क्या जिंदगी है, और खास तौर पर मुंबई की जिंदगी। कहते हैं यहाँ 24 घंटे का दिन होता है, रात कभी होती नहीं, क्योंकि हर वक्त हर क्षण हर व्यक्ति भागता ही रहता है, भाग दौड़ में मशगूल रहता है, जिंदगी की भाग दौड़। कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा है, कोई सेहत के लिए भाग रहा है, रोजी रोटी के लिए भाग रहा है, लेकिन भाग दौड़ थमती नहीं है, किसी को भी रुकने का वक्त ही नहीं है। और ऐसे में
सही वक्त पे घर पहुंचना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी मेरे परम मित्र जेठालाल ने सीना ठोक के वादा किया है कि वो फैमिली डिनर के लिए सही वक्त पे घर पहुंच जाएंगे। अब देखना ये होगा कि भाई इधर तो व्यापार की प्रतिस्पर्धा, इधर मुंबई की भाग दौड़, इसमें इन्हें वक्त पे घर पे पहुंचना याद रहता है या नहीं रहता। लेकिन एक बात तय है मित्रों, इन्हें याद रहे न रहे, लेकिन आपका अपने परिवार के साथ बैठकर हंसना बिल्कुल तय है जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठिया अभी तक आया नहीं है तो तुम्हें पता है जेठिया कहाँ गए? जी तो पार्टी में गए हैं। हाँ ठीक, करता हूँ। क्या कहा नटू काका ने? तूने कहा कि जेठिया किसी संघवी भाई से बर्थडे पार्टी में गया है। यहाँ हम सब लोग कब से उसकी राह देख रहे हैं, हम सब लोग भूखे बैठे हैं और वो लाट साहब वहाँ पार्टी मनाने गया है। उसको परिवार की कुछ पड़ी ही नहीं। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बहू, आज मैं शांत नहीं रहूंगा। आज उसकी खैर नहीं। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।